उड़ीसा के मैदान पर खिलाड़ी भावना का परिचय दोनों टीम को देना होगा और रेफरी का निर्णय अंतिम अवसर मान्य होगा। बहुत ही बढ़िया अनुशासित टीम दोनों टीम बोनस का प्रयास कोई नुकसान कोई खतरा नहीं नकारा। अगला है टच करने का प्रयास वापस आना पड़ेगा। चलिए अब चले हैं पांच नंबर जर्सी के खिलाड़ी
दिल्ली के खिलाड़ी उड़ीसा के ग्राउंड पर हल्के हल्के कदमों से शिरकत करते हुए, जबकि अभी भी पॉइंट का ज्यादा फासला नहीं हुआ है, दोनों ही टीम सशक्त और मजबूत। पांच नंबर जर्सी के खिलाड़ी चहल कदमक अपने शुरू किया है दिल्ली के ग्राउंड पर और टच लेने की कोशिश करते हुए यहाँ पर, और उतनी सच्चाई इस मैच के पूरा प्रस्ताव पढ़ते और हम लोग ध्यान देंगे। दो मिनट के अंदर इस मैच की समाप्ति के बाद कोर्ट से अपनी उपस्थिति देनी है, अपनी अग्रिम पूर्ण तैयारी कर ले दिल्ली के रेडर रूसो के मैदान पर। चलिए दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी उड़ीसा के मैदान पर अब चले हैं उड़ीसा की तरफ से। तीन नंबर जर्सी के खिलाड़ी दिल्ली के ग्राउंड पर अभी बहुत ही तस्वीर का भरा मैच चलता हुआ, देखते अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अभी भी पॉइंट का ज्यादा फासला नहीं है, दोनों ही काफी सशक्त और जोश से भरपूर। हाँ अब चले हैं उड़ीसा की तरफ से दिल्ली के ग्राउंड पर दावा करते कितनी सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई यहाँ पर बार बार उनको बताने की जरूरत नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ईमानदारी का परिचय दे। चलिए अब उड़ीसा की तरफ से फिर से आए हैं सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी दिल्ली के ग्राउंड पर, अभी भी ज्यादा उनका का फासला नहीं है और बहुत ही कसकस भरा हुआ मैच चलता हुआ। चलिए अब उड़ीसा के ग्राउंड पर दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी दिल्ली के खिलाड़ी अभी भी ज्यादा पॉइंट का फासला नहीं और बहुत ही जबरदस्त दोनों ही तरफ से तुम डाल डाल मैं पाक पाक बिल्कुल जबरदस्त चलता हुआ मैच। लीजिए खाली हाथ वापस आते हुए दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी, अब चले हैं छह नंबर जर्सी के खिलाड़ी उड़ीसा के खिलाड़ी जब किसी पत्ते का लाल, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। हर रेट बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही टीम के लिए। चलिए दोनों टीम का खाली हाथ वापस जाते हुए दो आठ दाई रेट का बिगुल बसता हुआ दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी अब चले हैं उड़ीसा के ग्राउंड पर, जबकि उड़ीसा का पूरा खेमा मौजूद कोशिश करते हुए लेकिन नाकामयाब रहे शायद। चार प्लेयर अभी भी दिल्ली के कोर्ट पर खड़े हुए दिल्ली के खिलाड़ी और लीजिए इस बार और अभी भी दिल्ली दो पॉइंट से आगे चलता हुआ, जबकि हाफ टाइम का भी कुछ समय शेष और निश्चित या कुछ एक्स्ट्रा हाफ टाइम का कुछ ही समय शेष है। दूसरे राज्य के टीमों ने इस बार प्रवेश किया, उड़ीसा के रेडर बहुत ही बढ़िया मुकाबला
कुछ टाइम से आगे है दिल्ली की टीम अभी और बहुत ही बेहतरीन रेडर है, कुछ खास करना होगा अपनी टीम के लिए उसी प्रयास में रेडर यहाँ पर और अपील है यहाँ पे देखना है अपील स्वीकारते हुए। अब मात्र एक फंड का फासला है, दिल्ली मात्र एक पॉइंट से आगे चलता हुआ अब लगभग बराबर करना चाहता हुआ, मात्र एक पॉइंट का डिफरेंस और नीचे भी कुछ करने की जरूरत है अब उड़ीसा के खिलाड़ी को, क्योंकि दिल्ली अभी एक पॉइंट से आगे चलता हुआ और 10 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी पूरा जोर लगाते हुए, लेकिन शायद इस बार खाली हाथ वापस जाते हुए। चलिए फिर से आए हैं 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, उन्होंने बहुत ही सुंदर से पहले नहीं है दूसरा है बहुत ही बढ़िया, कौन टीम आगे जाएगी गैस करना मुश्किल है, काफी सशक्त टीम है दोनों टीम। दिल्ली मात्र एक पॉइंट से आगे हैं, मात्र एक पॉइंट से आगे और समय बचे हैं 1:10, मात्र एक पॉइंट से आगे दिल्ली, समय है 1:10। उड़ीसा को वापस करने की आवश्यकता है, 1:10 बचे हैं। सुपर टेकर का समय है बहुत ही चकमक भरा है।